नमस्कार दोस्तों ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज जो हम स्टॉक लेके आए हैं आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना डेविस लैब फार्मा कम फार्मा सेक्टर का स्टॉक है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा बहुत लोगों ने इसे ले भी रखा होगा लेकिन स्टॉक देखो शेयर मार्केट में नया एक बहुत प्यारी कहावत है ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है है ना तो अगर देखो ये मैंने ना 2021 के लास्ट से लगा रखा है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है डिटेल में समझते हैं ना जिसे ना सज में इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है तो इससे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है ये मंथ देख देख के भी बताऊँ आप लोगों को कब क्या कहानी बनी ऐसे देख देख के बताते हैं चलो स्टॉक के अंदर क्या हुआ ये देखो लाइन ही ड्रॉ करने दे रहा है हमें भाई मान जा। तब मानोगे अब मानेगा तो स्टॉक यहाँ से आया पहले डाउन ट्रेंड में और ये 24 जून 2022 को यहाँ से इसने बाउंस बैक मारना स्टार्ट करा 24 जून 2022 के बाद ये अब जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है दोस्तों पच्चीस अप्रैल को वहाँ पर जाके के टकर और फिर से नीचे आते हैं नीचे आने के बाद इसने इस दूसरी जो हमारी लाइन है तीस मई दो हज़ार बाईस को यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया उसके बाद फिर ऊपर निकलना स्टार्ट करा और पूरी तरह से ऊपर नहीं गया फिर नीचे आ गया और सात इकतीस अक्टूबर दो हज़ार बाईस में दोबारा से जाके उस लाइन पे टकराता है फिर नीचे आ जाता है फिर एक दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने उसके अंदर ड्रॉ कर रखी है और फाइनली दोस्तों अब ये जो हमारा सत्रह अप्रैल दो हज़ार तेईस वाला वीक था वहाँ से इस स्टॉक ने दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है अगर इसकी दोस्तों मतलब लाइफ टाइम अगर इस स्टॉक की हिस्ट्री देखोगे जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तो इसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है और अभी ये डेढ़ साल से एक डाउन ट्रेंड में था लमसम डेढ़ साल होगा दोस्तों एग्जैक्ट तो मुझे मैं बताऊँ अगर एग्जैक्ट की बात करूँ तो स्टॉक यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड पकड़ना स्टार्ट करा अट्ठारह अक्टूबर दो से अट्ठारह अक्टूबर दो से हाँ लमसम हो गया ना अभी ये चौबीस अट्ठारह अप्रैल दो हज़ार तेईस तक इसे डेढ़ साल हो गए पूरे डेढ़ साल दोस्तों एक डाउन ट्रेंड में रहा और डाउन ट्रेंड के बाद अब इसने अपनी जो ऊपर वाली लाइनों से क्रॉस है तो लगता है कि अब यहाँ से स्टॉक ने अपना जो डाउन ट्रेंड का एक जो पकड़ रखा था उसे अब चेंज कर रहे हैं और अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी मैंने बता ही दिया आप लोगों को काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले हैं तो हम लोग दोस्तों अभी ये बत्तीस सौ नब्बे पे चल रहे हैं यानी थर्टी थ्री हंड्रेड के आसपास मान लो लेकिन अगर नीचे आता है तो ध्यान रखना आप लोग अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो बेहतरीन है अदरवाइज़ आप लोग इसे 2800 के आसपास आप लोग इसका एस मान लेना है ना अब कुछ लोग कहेंगे कि यार 2800 जो है बहुत दूर का एस है मुझे भी लग रहा है एस तो दूर का है लेकिन दोस्तों स्टॉक जो हम लोग ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से ले रहे हैं ना कोई तो ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ एक महीने दो महीने के लिए और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट भी अच्छे को देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को अगर स्टॉक ने अब ट्रेंड पकड़ा तो आप लोग इसका पास्ट में जाके देखो कितना बेहतरीन रिज़ल्ट है तो आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं पहला टारगेट तो दोस्तों आप लोगों को वैसे ही चार हज़ार के आसपास देखने को मिल जाएगा तो तैंतीस सौ से चार हज़ार कितना हो जाएगा मेरे ख़्याल से ट्वेंटी फाइव परसेंट तो हो जाना चाहिए है ना और नीचे आपका कितना जा रहा है बत्तीस सौ से अट्ठाईस सौ तो ये कितना हो रहा है तैंतीस सौ से अट्ठाईस सौ पाँच सौ यही सोलह सत्तर परसेंट नीचे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है आप लोगों को तो जो भी है अगर आप लोग अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो मेरी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हो कि हम लोग स्टॉक को ले लेकर उसे प्लेज कर देते हैं और फिर थर्सडे को और ट्यूजडे को जो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी होती है उसकी एक्सपायरी में दूर दूर की ओटीएम को शॉर्ट कर देते हैं तो उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को दिखा सकता है तो अच्छा ये तो वीकली में आप लोगों ने देखा ना अगर आप मंथ डेली चार्ट फ्रेम में देखो तो देख रहे हो अपर ट्रेंड लाइन में जब भी आया अभी ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर रखा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ये देखो कितना मतलब स्ट्रेंड लाइन को कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है आज तक ये निकला नहीं था इसके ऊपर फर्स्ट टाइम निकलने की कोशिश है और निकल के कंसोलिडेट कर रहा है बेहतरीन बात यह है तो काफ़ी डिटेल में वीडियो बता दी है बार बार फोकस इस बात पे कर रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है उसके ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इसलिए हम इस स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं तो अच्छा दूसरा जिन लोगों का दोस्तों अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुला है या कोई अपना डीमेट अकाउंट स्विज करना चाहते हैं तो कोटेक सिक्योरिटीज़ के अंदर आप लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं उसका लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंटरडे ब्रोकेज वहाँ पर आपको नील लगेगी जीरो के आसपास मतलब जीरो ही के बराबर होगी और तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ धन्यवाद